पहले हम चमचे बने रहते थे लेकिन अब हम उनको चम्मच चटा रहे हैं। एमएसपी भी मान लो, इतनी सब बातें मान ली तो किसान बैठे हैं, एमएसपी दिखा दे दो उनको। आज के टाइम अगर कोई हमला हो जाता ना कहीं पे, अगर उनको दो देशों का युद्ध हो जाता, अरे आओ ना चमचों वाली बात पे सवाल उठा रहे हैं। इनका बाप लगता है क्या पाकिस्तान? बहुत है, कुछ नहीं पता बेचारों को, इनको बोलना है बस। इसके पहले हम रहते थे सबसे पीछे कट रहते थे, आज हाउडी मोदी हो गया है। पाकिस्तान जाना था, इनका वीजा लग नहीं रहा, इनको तकलीफ है। अमेरिका जो हमें हर बात पे ज्ञान देता था, आज उसका प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोलता है कि हमें मोदी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहिए। चमचे वो जब भी अंधभक्त बोल सकते हैं। कमल खिलेगा जोरों से, देश बचाना है चोरों से। नमस्कार, मैं गीता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वन टू। इस वक्त हम मौजूद हैं सीपी में जनता के बीच। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि भारत और विदेशों के जो संबंध है, यानी जो रिलेशन है, क्या वो मोदी सरकार की वजह से है? आपका नाम? ऋषिकेश शुक्ला। आपको क्या लगता है कि भारत और विदेशों के जो रिलेशन है, क्या वो मोदी सरकार की वजह से है? देखो, इसके पहले सुषमा स्वराज जब फॉरेन मिनिस्टर थी तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। उसके बाद काफी समय बाद अगर जो हमारे रिलेशन अच्छे हुए ना, अच्छे तो पहले भी थे हालांकि, लेकिन उसमें पहले हम चमचे बने रहते थे। अब हम उनको चम्मच चटा रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। इससे ज्यादा क्या होगा, अबू धाबी में मंदिर बन गया, उसके बाद यूपीआई भी सऊदी में स्टार्ट हो गया, फ्रांस में चालू हो गया, मॉरिशस में, श्रीलंका में, हर जगह पे यूपीआई भी अब चालू हो गया है। हम रशिया से अपने इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। काफी सारी कंट्रीज जो है, इसके पहले हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर बने रहते थे, अब लगभग 16-17 हज़ार करोड़ का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट कर दिया है। तो भैया काफी सारी चीजें दिख रही है। इसके पहले हम रहते थे सबसे पीछे कट रहते थे, आज हाउडी मोदी हो गया है। और अमेरिका जो हमें हर बात पे ज्ञान देता था, आज उसका प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोलता है कि हमें मोदी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वाला पीएम बोलता है कि भैया मोदी जी यू आर द बॉस। पापुआ न्यू गिनी वाले प्रेसिडेंट जो प्रधानमंत्री है वो पैर छूते हैं मोदी के। तो भैया इससे तो साफ पता चल रहा है। और इससे बड़ी बात, जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो हम सब ने देखा, भारत तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, हर कंट्री वाले भारत का तिरंगा लगा के बाहर निकल रहे थे। तो इससे ज्यादा और एग्जांपल आपको क्या चाहिए? मुस्लिम देश ही भारत के साथ नहीं थे, बाकी सारे साथ नहीं, मुस्लिम देश साथ नहीं थे, नहीं थे बाकी सारे भी साथ नहीं थे। जिसको मौका मिलता था, हमने नहीं देखा था क्या, जब ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तब अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ खड़ा था ना, यूएसएसआर ने हमारा साथ दिया था। आज वही अमेरिका भी हमारे साथ है, वही यूएसएसआर भी हमारे साथ है। इसके पहले चाइना हमें आग दिखाता था, आज चाइना वाले रो रहे हैं, चाइना वाले बोल रहे हैं कि भैया हमारे साथ रिश्ता खराब मत करो। पाकिस्तान वाले इसके पहले बॉम्ब ब्लास्ट करते थे, आज जाके वो लोग यूएन में रो रहे हैं कि भैया भारत हमें आग दिखा रहा है, डरा रहा है। तो भैया हमें साफ पता चल रहा है कहाँ एक टाइम पे भारत भीगी बिल्ली बना घूमता था और आज कहाँ पे भारत शेर बन के घूम। 2014 यानी कि मोदी सरकार आने की वजह के, मोदी सरकार आने के बाद ये सब। ऑब्वियसली इसके पहले आपने कभी सुना था कि भारत ने G20 समिट होस्ट किया? नहीं सुना था ना। 2014 के पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि भारत ने भैया ग्लोबल साउथ की बात करी हो। भारत आज पूरे ये जितने भी लोग है, भारत बोल रहा है कि भैया विश्व गुरु ने हमें विश्व मित्र बनना है। भारत सबसे बड़ा सोलर अलायंस बन के उभरा है। भारत बहुत सारी चीजें कर रहा है। हमारे एस जयशंकर का ऐसा एक भी देश नहीं होगा जो ना जानता हो। इसके पहले दो सुषमा स्वराज के पहले मुझे नहीं पता था भैया कौन है फॉरेन मिनिस्टर। आज बच्चे बच्चे को पता है डॉक्टर एस जयशंकर कौन है। पाकिस्तान वाले तो हमसे ज्यादा अच्छे से पाकिस्तान को पता है कि पीएम मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर की पावर क्या है। तो भैया और क्या ही आप जानते। विपक्ष कह रहा है रोजगार बढ़ा है। अरे विपक्ष का काम है मैम रोना। 70 साल में कितनी, हर घर में क्या गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खोल दी थी क्या? इतना अगर बेरोजगारी है तो सब लोग मर्सिडीज से चलते थे क्या? अरे पूरे विश्व का सबसे बड़ा सैमसंग कंपनी नोएडा में खुला हुआ है। इतने बड़े बड़े 50-50 हज़ार किलोमीटर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे, तो उसमें क्या हमारे लेबर नहीं लग रहे, हमारे रोजगार? राम मंदिर बना है उसमें इतने सारे लेबर, ईंट पत्थर बनाने वाले, सीमेंट बनाने वाले मिस्त्री लगे होंगे, आर्किटेक्ट लगे होंगे, उसके बाद मूर्ति बनाने वाले लोग लगे होंगे, उनको रोजगार नहीं मिला क्या? ये सिर्फ और सिर्फ गाना गा रहे। 17 हज़ार करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है जो, उसमें डीआरडीओ का रोल चल रहा है, प्राइवेट पार्टीज, अभी C-295 एयरक्राफ्ट बन रहा है, तेजस बन रहा है, कितनी सारी चीजें बन रही है, तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश चल रही है इनको, जो कि कुछ होने वाला नहीं है उससे। जिस तरीके से इन्होंने 2014 में क्या नारा दिया कि अरे चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा क्या, चाय वाला बोलते ही 282 सीट आ गई। फिर 2019 में इन्होंने एक और नारा लेके चला, चौकीदार चोर है ये राफेल के ऊपर, चौकीदार चोर बोलते 303 सीट आ गए उनकी। अब इन्होंने बोल दिया भैया नरेंद्र मोदी पनौती है, तो भैया अब 400 लाने से इनको राम भगवान ही बचा सकता है। 2024 में किसकी सरकार आएगी क्या? हर बार बीजेपी सरकार, बीजेपी जो हमारे लिए काम कर रहा है भैया, हम तो उसी को वोट देंगे। भारत और विदेशों के जो संबंध बने हुए, रिलेशन अच्छे बने हुए, क्या वो मोदी सरकार की वजह से? ऐसा कुछ भी नहीं है, दिखाया जाता है। एक्चुअल सच्चाई किसको बताया, मैं तो मीडिया में तो देख लिया, हमने सुन लिया,
अब जाके देखो ना करेंसी की क्या हालत है, उससे बता हमारी पोजीशन क्या है, डॉलर से हम कहाँ हैं भी बताओ जरा। ये रियल सिचुएशन होती है। और क्या है, क्या हालत है। वो इतना कुछ बोल गया, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। मोदी ने तो क्या क्या बोला था, क्रॉस क्या क्रॉस करता वो अंधभक्त बेचारा, उसे उसकी भी गलती नहीं, जो मीडिया में दिख गया उसने बोल दिया। अच्छा अच्छा दिखाए जाएंगे सबको, अच्छा अच्छा लगेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। एमएसपी भी मान लो, इतनी सब बातें मान ली तो किसान बैठे हैं, एमएसपी दिखा दे दो उनको, वो तो नहीं देंगे ये लोग, 370 डालेंगे अपना, ठीक है, उससे मेरे को क्या फायदा हुआ है। जितनी पूरी होती है उतनी करो, ठीक है। ये मतलब यार छोड़ो, ऐसे अंधभक्त होते हैं, कुछ नहीं पता बेचारों को, इनको बोलना है बस। चमचे होते हैं ना चमचे, वो जब भी अंधभक्त बोल सकते हैं। हाँ मैं ऐसा प्रधानमंत्री के भक्त होने में कोई वो नहीं है, हमें अच्छा लगता है ऐसा भक्त होने में, ठीक। और उन चमचों के लिए इतना काफी है कि हमें 10 साल में वो बदलाव दिखा है। अगर हम बाहर जाते थे ना, अगर हमारे को भाई अगर बाहर कोई हमला हो रहा है जैसे यूक्रेन का उनका हुआ था, तो वहां पहले निकाले नहीं जाते थे, मर रहे तो मरने दो, ऐसे होता था। और आज मेरा तो भाई बाहर ही बैठा, ऑस्ट्रेलिया बैठा मेरा भाई, ये बात मत कह। इससे पहले लोग निकाले नहीं गए, कहाँ निकाले गए, एक दिखा दे, एक चीज दिखा दे, कहाँ निकाले। आज के टाइम अगर कोई हमला हो जाता ना कहीं पे, अगर उनको दो देशों का युद्ध हो जाता, अरे आओ ना, चमचों वाली बात कर रहे थे, अंधभक्तों वाली बात कर रहे थे, अब चमचा भागेगा, यही तो चमचागिरी है। इनको पाकिस्तान जाना था, इनका वीजा लग नहीं रहा, इनको पाकिस्तान जाना था, इनका वीजा लग नहीं रहा, कि इनको तकलीफ है कि जैसे भारत के संबंध अब विदेशों से अच्छे हो गए, इनको उन चीजों से तकलीफ है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता क्यों चमचे चमचे होते, जो चाटते रहते हैं ना हमें चमचे, ऐसे ही बात करके चले जाते और रुक जाते 5 मिनट, और 5 मिनट में और खुल जाती इसके पूरा चिट्ठा खुल जाता। 370 पे सवाल उठा रहा है, इनका बाप लगता है क्या पाकिस्तान। 370 हटने से आज वहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली है, पत्थरबाजी बंद हो गई, मस्जिदों से यालिब गालिब चालिब बंद हो गया, आतंकवाद बंद हो गया, और पाकिस्तान को सबक मिल गया। वो इनको पेट में दर्द हो रहा है, ये कह रहे किसान को एमएसपी दे दो, एमएसपी ठीक है, पर पहले भगवंत मान ने कहा 2022 चुनाव हम जीतेंगे तो भी पंजाब के किसानों को हम एमएसपी देंगे, तो उसमें सेंट्रल का कोई रोल ही नहीं था। ये तो चुनाव से पहले कुछ लोग डिस्टर्ब करने के लिए रोडों पे उतरे हुए हैं, और ऐसे जो ये लोग हैं चमचे, जो प्लेट कटोरी साफ करते हैं, जिनका एक मकसद है कि भैया सिर्फ पप्पू को लाना है। अरे पप्पू की योग्यता तो बताओ, कमलनाथ ने छोड़ दी पार्टी, आज उसके बेटे ने छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए, सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी, मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी दी, जो अपनी पार्टी नहीं जोड़ पा रहे वो देश जोड़ने निकले हुए। सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव के लिए खड़ी हो रहा, राज्यसभा जा रहे, सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा नॉमिनेट हो चुकी है, ये प्रधानमंत्री ने भविष्यवाणी करी थी अभी इस सत्र में, कहा था कि कुछ लोग लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त। नेहरू कहाँ से आते थे प्रधानमंत्री बनके, उत्तर प्रदेश से, राजीव गांधी उत्तर प्रदेश से, इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश से, राहुल गांधी सांसद थे, हार गए अमेठी से तो चले गए वायनाड, सोनिया गांधी हारने की फिराक में थी रायबरेली छोड़ के राजस्थान, तो कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया। जो लोग अपनी मूल को छोड़ चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं जहाँ 2 सीट नहीं जीत पाते, हमें उनसे क्या उम्मीद लगानी चाहिए, इनका कोई विजन नहीं है। मणिपुर चले गए लेकिन ये बार बार कहते थे डोकलाम, ये बार बार कहते थे कि चीन घुस गया अरुणाचल में, तो अरुणाचल जाके एक्सपोज करो ना मोदी को, है हिम्मत। राहुल गांधी विजनरी नहीं है, उसमें कोई नेतृत्व नहीं है, वो सिर्फ बोलता है, भोगता है, भागता है। उसने कहा मोदी को चौकीदार चोर है, क्या वो चोर का प्रमाण दे पाए, क्या वो राफेल में कोई घोटाला साबित कर पाए, बल्कि उल्टा चौकीदार चोर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफी मांगो है, ये बोला है आपने, बोलो, और माफी मांगी है इस व्यक्ति ने। तो ऐसे जो चमचे हैं जो कि 370 पे भी सवाल उठाते हैं, अपने बाप पे भी सवाल उठा देंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है, उससे बहुत लोगों के पेट में दर्द है, उनमें से एक ही व्यक्ति भी था। मैं स्पष्ट कहता हूं, विपक्ष कह रही है कि ईडी के द्वारा केंद्र सरकार गिराना चाहती है, क्या गिराना चाहती है, सब कुछ तो खड़ा है, मोदी सरकार बनी हुई है उसे गिराना चाहते हैं कुछ लोग। भाई ईडी अगर कहीं जा रही है तो 350 करोड़ रुपए धीरज साहू से ले रही है कि नहीं ले रही। इत्र वाला मित्र 2022 में जो चुनाव था उत्तर प्रदेश, जब दीवारें खंगाली गई कानपुर की, तो करोड़ों रुपए निकलेगा नहीं निकला, 252 करोड़ रुपए निकला मैडम, ये कहां से आया है। उनका कहना है बिना सबूतों के अरेस्ट किया जा रहा है। अरे यार किसको बिना सबूत के, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हो रही है, सबूत है तभी तो बेल नहीं हो रही है। अब छठा नोटिस गया है अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, क्यों दे दिया, अगर सबूत है तभी तो काम हो रहा है। लालू यादव बेल पे है कि नहीं है, तेजस्वी यादव पे ईडी की जांच चल रही है कि नहीं, लैंड फॉर जॉब पे,
आप समझो पार्थ चटर्जी पे 20 करोड़ मिले थे कि नहीं मिले थे, टीएमसी का नेता है, तो मैडम रिकवरी हो रही है, 2 लाख करोड़ की रिकवरी कर चुकी है ईडी, ईडी सीबीआई प्रमाणिक काम कर रहे हैं। दिक्कत यह नेशनल हेराल्ड के केस 5000 करोड़ का, यंग मीडिया पे ताला लगा के नहीं लगा, आईडीओ पे ऑफिस है आप जाके देख लो, राहुल गांधी सोनिया गांधी बेल पे बाहर है। ये परिवारवादी पार्टियां ये सत्ता छोड़ना नहीं चाहती, बस इनका एक ही मकसद है देश लूटो, परिवार को कुछ भी बनाओ, मंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, और कोई पद दो तो अध्यक्ष का ही नहीं दो, और सब तो नालायक है इस देश में, सिर्फ यही लायक है। 2024 में किसकी सरकार आएगी? ओनली कमल, कमल खिलेगा जोरों से, देश बचाना है चोरों से, 400 पार होएंगी एनडीए की, और 370 मोदी जी ने कह दिया है कि जिसने 370 हटाई है उसे 370 सांसद बना के भेजो, और मोदी जी 370 जीतेंगे और इस बार बड़े डिसीजन लेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू करो, एक निशान एक संविधान एक प्रधान इस देश में रहना चाहिए और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या कहना है, भारत और विदेशों के संबंध जो रिलेशन बने हुए हैं क्या वो मोदी सरकार की वजह से हैं या फिर अर्थव्यवस्था की वजह से? नहीं, ऐसा है कि जो फॉरेन रिलेशन है ना, किसी भी देश के फॉरेन रिलेशन का पहला प्रिंसिपल होता है कि हमारे देश का क्या भला होगा किसी दूसरे देश के साथ मतलब संबंध स्थापित करने में। जैसे कि पुराने टाइम में लोग रोम से और यूरोप से आते थे वो काली मिर्च खरीदने के लिए, काली मिर्च खरीदने क्यों आते थे, इसलिए क्योंकि उनको अपने खाने को प्रिजर्व करना पड़ता था, वो एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे था। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर जो है ना जीएनयू किया हुआ है कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स, और मैं एक मैगजीन भी निकालता था जिसका नाम था थर्ड वर्ल्ड कॉलेज तीसरी दुनिया के ऊपर। तो ये मतलब इसका पहला प्रिंसिपल ये होता है कि हमारे देश का क्या फायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोगों का मानना है कि भारत और विदेशों के रिलेशन सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की वजह से बने हुए हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ही जीत होगी। मैं गीता सिंह, कैमरा पर्सन शिखर के साथ।